हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सुपर नॉलेज पॉइंट एंड टुडे डिस्कस अबाउट चैप्टर 6 लाइफ अंडर द लीफ सनग्लास। तो यहाँ पे हम लोगों का पहला जो चैप्टर था इसमें, तो यहाँ पे पहले इसमें हिस्ट्री में क्लास 7th आईसीएसई बोर्ड में क्या था, यहाँ पे थीम था और इस थीम 3 में 3 पार्ट्स थे जिसमें हम लोगों ने कवर किया है दिल्ली संतनत के बारे में। तो यहाँ पे 3 है जैसे टर्किश इन्वेंशन है दिल्ली संतनत, ये हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, न्यू पेपर में आ चुका है ऑल्सो एंड एक्सपेंशन ऑफ दिल्ली, ये भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और ये भी पेपर में आ चुका है। देन आज हम लोग अभी कंप्लीट करने वाले हैं लाइफ अंडर दिल्ली संतनत। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे थ्री चैप्टर्स डिवाइडेड हैं। आज हम लोग सिर्फ चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो गाइस स्टार्ट दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकॉन, गिव यू ऑल नोटिफिकेशन फॉर अबाउट वीडियोस। सो लेट्स बिगिन नाउ। तो जो चैप्टर का नेम है वो लाइफ अंडर दिल्ली संतनत, जो दिल्ली संतनत था उसके अंदर जो लाइफ थी वो कैसी थी, हम लोग इसे पढ़ने वाले हैं। सो यस, स्पैनिंग ओवर 3 सेंचुरीज फ्रॉम 1206 कॉमन ईरा टू 1526 कॉमन ईरा, दिल्ली संतनत मार्क एस वर्कर्स, मतलब कि 1206 कॉमन ईरा से लेकर 1526 तक यहाँ तक राज चला है। और हम लोगों ने इसे पिछले में भी पढ़ लिया है कि कितने लोग लोही डायनेस्टी ने कब, उनके जो आलम शाह थे और इन्होंने कब से लेकर कब तक राज किया है। तो अभी मैं आपको बताना चाहूंगी कब से लेकर कब तक इन्होंने राज किया है। देन यहाँ पे स्लेव डायनेस्टी जो थी 1206 से 1290 कॉमन ईरा तक उन्होंने किया था, देन सिखेजी डायनेस्टी 1290 कॉमन ईरा टू 1320 कॉमन ईरा तक इन्होंने किया था, खिलजी डायनेस्टी ने किया था। और खिलजी डायनेस्टी के कौन फाउंडर थे ये आप लोगों को जरूर पता होगा क्योंकि ये हम लोग पढ़ चुके हैं। देन कुतुबुद्दीन ऐबक थे, मतलब कि खिलजी डायनेस्टी के कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं थे क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक स्लेव थे। और स्लेव वो किसके थे, वो स्लेव थे मोहम्मद बिन तुगलक के, मतलब कि मोहम्मद बिन तुगलक के वो क्या थे, वो स्लेव थे, इसलिए उन्होंने स्लेव डायनेस्टी का फाउंड किया है। इसलिए वो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो हमारे स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर हैं। तो यहाँ पे हम लोग जानने वाले हैं कि खिलजी डायनेस्टी के कौन फाउंडर हैं। खिलजी डायनेस्टी फाउंडर जलाउद्दीन खिलजी थे 1296-1316 से हम लोगों ने अलाउद्दीन खिलजी ने किया, उसके पहले से 1296 तक किसने किया, जलालुद्दीन खिलजी ने किया, अलाउद्दीन खिलजी। देन ये उनके कौन थे, ये उनके थे मतलब कि उनके स्लेव थे। और स्लेव डायनेस्टी जलाउद्दीन बहुत कंपैरिजन टू काइंड नेचर, उनका बहुत दयालु नेचर था। और जो अलाउद्दीन खिलजी थे वो उनके नेफ्यू थे। देन हमारा आता है चैप्टर, तो मैं चैप्टर उन्होंने क्या कहा है 1206 से लेकर 1290 तक बहुत राज्य थे स्लेव डायनेस्टी और खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी और सैयद डायनेस्टी, लोही डायनेस्टी, ये सब लोग की जो डायनेस्टी इनमें 1206 से कॉमन ईरा से लेकर 1526 तक राज चला है। देन दिस इज द वास्ट डिस्कशन रीजन ट्रांसपोर्ट इंडिया पॉलिटिकल इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चर हिस्ट्री। तो यहाँ पे क्या है, जो वास्ट इंडिया एक्सप्लेन रीजन है उसमें इंडिया भारतीय राजनीतिक और सामाजिक सोशल सामाजिक एंड अ कल्चर हिस्ट्री, मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा जो हिस्ट्री थी बहुत ज्यादा कल्चर थी। देन द एमिग्रेशन ऑफ इस्लामिक टर्किश अफगान ट्रेडिशन एंड नेटिव इंडियन कल्चर ग्रेटली इन्फ्लुएंस इंडियन सोसाइटी, मोर ओवर कॉन्टेक्ट विद द अरब वर्ल्ड वॉज कैप्ट अलाइव बाय मुस्लिम ट्रेडर्स Who brought the cultural religion to the subcontinent? Then मतलब कि जो it brought यहाँ पे contact, मतलब कि जो अरब थे, अरब के जो लोग थे, मतलब कि मुस्लिम जो थे उनके पास बहुत सारे contact, बहुत कैप्टर उनके लिए, उनके जीने के लिए बहुत सारे contact थे। और यहाँ पे ऐसा था कि जो मुस्लिम लोग थे उनसे वो लोग क्या करते थे, हिंदू लोगों से टैक्स लेते थे, जैसे कि हिंदू लोग जो थे वो मुस्लिम में जाना पसंद करते थे क्योंकि मुस्लिम से टैक्स नहीं लिया जाता है, इसलिए वहां पे टैक्स नहीं लिया जाता था, इसलिए
उन्हें जाकर उन्हें हिंदू को मुस्लिम में मिल जाना होता था, इसलिए दैट्स व्हाई, क्योंकि वहां पे उन्हें टैक्स देना पड़ता था। देन अबाउट इंटरेस्टिंग वे टू फ्यूजन बिटवीन टू कल्चर, यहाँ पे दो कल्चर, इंडो मतलब इंडो इस्लामिक मतलब मुसलमान, ये इंडो इस्लामिक कल्चर बना मिला के दो कल्चर को मिलाकर दो मतलब कल्चर को मिलाकर, जैसे कि हिंदू और मुस्लिम को लगे इंडो इस्लामिक बन गया। देन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ दिल्ली सर्कल, दिल्ली मैजिन ऑफ अबाइ, मतलब कि जैसे कि लोग बहुत सारे लोगों से इंस्पायर होते हैं, मतलब कि उनसे कुछ सीखते हैं इंस्पायर, जैसे कि किसी को आई सबसे बनना है वो तुम किसे इंस्पायर हो और मुझे नई नई चीजें इंस्पायर करने की आए, तो उनसे पूरे दिल्ली सर्कल किसे आवाज से इंस्पायर थी और वो उनका थैरियोटिक कैरेक्टर जो था दिल्ली सर्कल थे वो एक इस्लामिक स्टेट की तरह था और वो मतलब लोग उन्हें भगवान से भी ज्यादा उन्हें मानते थे। देन हमारा आता है सोशल स्ट्रक्चर, अब यहाँ पे सामाजिक स्ट्रक्चर कैसा है सोशल को, मैंने अभी आप लोगों को अगले वीडियो बताया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया था वो सेम थोड़ा बहुत यहाँ पे है। देन अभी इससे पहले हम लोग देखते हैं क्या है, द सोसाइटी एंड दिल्ली से बहुत डिवाइड अलोंग कास्ट एंड क्लास लाइन, जो मतलब कि सोसाइटी जो थी उसमें दिल्ली सन में क्या था कि उनके उनके कास्ट के हिसाब से उन्हें डिवाइड किया था, उनकी क्लास है मतलब मेरी जिंदगी की राह के हिसाब से, कोई लोग गरीब होते, कोई थोड़ा मीडियम होते, कुछ अमीर होते, कुछ ज्यादा ही अमीर होते हैं और कुछ शहरी लोग होते हैं, उस तरह के जो लोग थे उन्हें उन तरह से डिवाइड किया गया। मैंने हिंदूज बहुत हिंदूज है, उन्होंने क्या किया अपने सोसाइटी, क्योंकि सोसाइटी से लोअर रैंक थे, सोसाइटी के लोअर रैंक थे मतलब कि जो टीज एंट्री थे, उन्होंने क्या किया वॉज वेयर अट्रैक्टेड द टीन इस्लामिक एंड इस्लाम कन्वर्टेड टू इस्लाम मैनी मैनी टैक्स मैनी मैनी अडॉप्टेड इस्लाम टू सेव धर्म समृद्धि टैक्स, तो इसलिए उन्हें बचाने के लिए उन्हें नन मुस्लिम मतलब कि जो मुस्लिम नहीं होते हैं उनके छोटे बच्चों की शादी और सती है ना पुरजा सिस्टम इन सब की प्रैक्टिस की। देन हमारा उसके बाद क्या यहाँ पे इसको सबको देखने के बाद ये इंडिया में क्या क्या उन्होंने चार पार्टों में बांट दिए सोशल स्ट्रक्चर को, मैंने फोर पार्ट में डिवाइड कर दिया, एरिस्टोक्रेसी सेकंड पैरिस टाउन टेम्पल एंड पीजेंट अमीर, उससे थोड़ा और थोड़ा ज्यादा अमीर, फिर टाउन मतलब शहरी लोग, फिर मतलब सबसे गरीब लोग। देन यहाँ पे अभी हम लोग अगले वीडियो पढ़ने वाले हैं एरिस्टोक्रेसी के बारे में, इन चारों के बारे में हम लोग अगले वीडियो पढ़ेंगे। सो गाइस आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। सो गाइस बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।